नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी 2021 के बारे में, साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती की भी लेटेस्ट अपडेट को लेकर। अगर बात की जाए यूपी टीईटी 2018 के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, अब यूपी टीईटी 2021 और 22 हो रहा है, लेकिन अभी तक अगर देखें तो 69,000 शिक्षक भर्ती इसके अंदर एक ऐसा मामला लटके हुए हैं कि कभी भी इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। कोई भी निश्चित तौर पर यहाँ पर श्योर नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कब से क्या हो जाए। कुछ ऐसा ही हमें आप सभी को देखने के लिए मिला हाईकोर्ट के अंदर। सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर 6,800 को लेकर यहाँ से एक नई चयन सूची जारी की गई थी, जिसको लेकर अभी तक नियुक्तियाँ नहीं दी गई हैं, लेकिन अब जानकारी निकल कर आ रही है कि 6,800 को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पे सरकार के सामने कहा गया है कि या तो आप 6,800 को नियुक्ति अगर देना चाहते हैं, आप इस बात को कंसीडर करते हैं कि इस भर्ती में धांधली भ्रष्टाचार हुआ है, तो 6,800 को आप किस आधार पे जोड़ रहे हैं, और अगर आपको मानना है कि 6,800 बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पे 6,800 को उनको बाहर निकालें, उनकी जगह पे 6,800 को नियुक्तियाँ दें। पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा वीडियो सुनाना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमरेंद्र बाहुबली की तरफ से काफ़ी लंबे समय तक 200 दिन तक धरना प्रदर्शन दिया गया, तब सरकार ने झुककर 6,800 सीटें देने का फैसला किया, लेकिन बाद में मामला न्यायालय में चला गया। अब ये 6,800 तो सेफ होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 69,000 की जो मूल चयन सूची है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, अगर आज के कोर्ट के आदेश को सुना जाए तो। सुनिए आप सभी यहाँ से। पूरा डिक्लेयर हो गया कि विसंगति हुई और विसंगति सरकार ने भी मान लिया, ये बहुत बड़ी जीत है आप लोगों की। तो राघवेंद्र सर ने, मतलब जो एजी हैं, वो ये कहे कि नहीं सर, हम तो जो गलतियां हुई थी उसको मान करके उनको अपॉइंट करने जा रहे हैं। तो जज साहब ने सीधा यही पूछा कि ये बताइए 6,800 के वो 69,000 के ऊपर तो आप कर नहीं सकते, और उस केस में दो एफिडेविट थे, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, दो एक एफिडेविट में ये कहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो गई है, एक एफिडेविट में ये कहे थे कि 69,000 शिक्षक ये कह रहे हैं कि सारी भर्तियां सब कुछ सही हुई हैं। तो इन दोनों का जज साहब ने बताया, मतलब एफिडेविट का जो संज्ञान लेते हुए कहा कि देखिए मैं सब कुछ मान रहा हूँ, सब कुछ सही आपने किया, गलती हुई थी, गलती आप सही कर रहे हैं, लेकिन एक वैकेंसी पे दो लोग तो रहेंगे नहीं, 69 से आप तो आगे करेंगे नहीं। तो इसमें ये जी साहब ने एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये बात सही है कि हम नहीं करेंगे। तो कह रहे हाँ ठीक है, उनको निकाल दीजिए, उनको आप बाहर कीजिए, इनको आप अंदर कर लीजिए, देन हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये तो आप स्टेट है, आप स्टेट जिस तरीके से आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं, लेकिन 69,000 से अधिक वैकेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका डर तो हमें पहले ही था कि सरकार आनन फानन में चुनावी जुमले के चक्कर में हमको लिस्ट दे दी है, तो आज वो क्लियर हो गई कि वो 6,800 लोग जाएंगे बाहर। वो तो जैसा आपने कहा कि कहीं हम मेंशन कर दें। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ से सुना, उनकी तरफ से कहना है कि सरकार की तरफ से जो एजी साहब वहाँ मौजूद हुए थे, उन्होंने कोर्ट को यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बात को समझाने का प्रयास तो किया, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक वैकेंसी के अंदर एक सीट के ऊपर दो अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं। 69,000 सीटों के हिसाब से 6,800 अगर रखी जाती हैं तो यहाँ से पहले 6,800 को निकाला जाए। अब सरकार क्या करेगी क्या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 6,800 के चलते सरकार पूरे तरीके से बैकफुट पर है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ यूपी टीईटी 2021 की आंसर की बहुत जल्द जारी होने वाली है, इसके अंदर कॉमन नंबर की संभावना देखने के लिए मिल रही है कि ज्यादा से ज्यादा अगर बात की जाए 2 से 3 क्वेश्चन को लेकर पीएनपी पहले से यहां पर सरेंडर कर सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2017 की जो कहने के क्वेश्चन रिपीट हुए थे, मामला न्यायालय में भी गया था और न्यायालय में जाकर 3 क्वेश्चनों पर कॉमन नंबर मिले थे, तो इस बार पीएनपी के माध्यम से उन क्वेश्चनों को एज इट इज रखा गया है। तो उम्मीद है ज्यादा है कि ऑफिशियल आंसर की के अंदर इन 3 क्वेश्चनों पे अभी आपको जो कॉमन नंबर है वो दे दिए जाएंगे। जब बहुत जल्द यहाँ से पीएनपी के माध्यम से ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद में कई बोनस अंकों को लेकर यहाँ से खुलासे होंगे। इसके बाद अभी भी आपके मन में अगर कोई सवाल रहेगा तब भी आप सभी के पास मौका दिया जाएगा पीएनपी की तरफ से कि आप लोग चाहें तो आपत्तियाँ दर्ज करवा के भी यहाँ से कॉमन नंबर की मांग कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।